हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आप कर रहे हैं चैप्टर 6 वर्ग अते वर्गमूल। बच्चों, तुसी वर्ग पहला भी कर रखे है, चैप्टर सुनया हुआ है वर्ग नाम है ना। पहला वर्ग आपां कीता सी बच्चों ज्योमेट्री विच, वो इस तरह का हुंदा सी। देखो, जिदियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां सी, उहदे च आपां उहदा खेत्रफल पता करदे सी, परिमाप पता करदे सी, ठीक है। पर अज आपां इह वर्ग नहीं कर रहे, अज आपां वर्ग कर रहे हां होर, जिहड़ा कि है अलजबरा दा वर्ग, ठीक है। बच्चों, अलजबरा दा वर्ग केड़ा है कि जिस च आपां नूं कोई नंबर दिता होगा, वो नंबर दा आपां वर्ग करना है। जिवें कि मान लो आपां नूं नंबर देता दो, दो दा वर्ग करना है, तां आपां उहनूं पहलां लिख रहे हां। देखो, दो दा वर्ग मतलब उपर दो दी घात दो, तां इहनूं आपां लिखांगे दो गुणा दो, तां इह आजूगा साडे कोल चार, ठीक है। बच्चों, तां इह दो दा वर्गमूल हो गया। इसे तरह मान लो आपां नंबर लै लिया छे, छे दा वर्ग करना है, छे दी पावर दो, ठीक है। छे गुणा छे बराबर आजूगा 36, तां इह हैगा साडा वर्ग, ठीक है। बच्चों, वर्ग हैगा साडा इस तरह दा। हुण आपां अगे करांगे कि वर्ग दीआं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तां उहदे लई सानू 1 तों 10 तक दा वर्ग याद रखना हुंदा है। तां देखो बच्चों, 1 दा वर्ग 1 गुणा 1 1 आ गया, 2 दा वर्ग 2 गुणा 2 4, फिर एवें 3 दा 9, 4 दा 16, 5 दा 25, 36, 49, 64, 81 अते 100, ठीक है। बच्चों, तां इह वर्ग हो गए 1 तों लैके 10 तक दे। तां बच्चों, इह सानू याद रखने चाहीदे हन, ठीक है। हुण मान लो जे आपां नूं कोई नंबर दे दित्ता जांदा है कि मान लो आ नंबर है 24, 24 दा वर्ग करो, ठीक है। तां उह आपां किवें करांगे, गुणा करके 24 नूं 24 नाल, है ना, 24 नूं 24 नाल गुणा करके ही करदे ना। देखो, 24 नूं 24 नाल गुणा करांगे आपां, 16 1 8 ते 1 9, 8 आ 4 आ गया इहदा वर्ग, ठीक है। बच्चों, ते हुण एक चीज़ तुसी होर याद रखनी है, देखो कि आह वर्ग दा हैगा जिहड़े इहदे इकाई अंक ने, जिवें 100 दा इकाई अंक 0, 81 दा इकाई अंक 1, इहदा 4, 49 दा 9, 36 दा 6, आ 5, आ 6, ठीक है। हुण जदों आपां नूं कोई नंबर दे दित्ता जांदा है ते पुछा जांदा है कि उहदा वर्ग करो अते उस दा इकाई दा अंक दसो की होवेगा, ठीक है। जिवें कि हुण इत्थे इकाई दा अंक 4 दा इकाई अंक की है 6, 5 दा इकाई अंक वर्ग दा 5। हुण जिवें इत्थे आपां 24 दा कीता, जे आपां नूं कह दित्ता जांदा कि 24 दे 24 दा वर्ग करो, उहदा इकाई दा अंक दसो की है, तां आपां इह करे बिना गुणा ना, गुणा नूं ना करके बिना गुणा करे अगर आपां ने सिर्फ दसना होवे कि इकाई दा अंक किन्ना है, तां आपां नूं जे पता है चौकम चौकी 16, 16 दा 6, तां पिछे आऊगा 6, देखो 6 आया ना पिछे बच्चो, तां इह इस लई याद करना है कि इकाई अंक आपां ने केड़े केड़े ने किहदे। हुण मान लो इह तां छोटा जिहा नंबर सी, आपां ने गुणा करके भी देख ली, ठीक है। बच्चो, तां हुण इक आपां वड्डा नंबर देखांगे, ठीक है। चौथी तुहाडी उदाहरण है, वड्डा नंबर देखो इक, 7 9 8 4 3, ठीक है। बच्चो, आ हुण वड्डा नंबर देता, कहिंदे इहदा वर्ग करो ते उहदा इकाई दा अंक दसो सानू कि उहदा इकाई दा अंक की है, ठीक है। बच्चो, हुण इन्ना वड्डा नंबर किन्ने, देखो 2 4 6 7, 7 नंबर दा अक्षर है, उहदा वर्ग करांगे ते उहदा इकाई दा अंक दसांगे। तां उहदे लई आपां की करांगे, आखरी इकाई दा अंक देखांगे किन्ना है, 3, तां 3 दा इत्थों आपां वर्ग करके देखांगे किन्ना है 9, तां उत्तर च आपां लिखांगे इकाई दा अंक होऊगा जी 9, 9 साडा उत्तर होजू, ठीक है। बच्चो, समझ आ गया। इस तरह दे क्वेश्चन आणगे आपां नूं एक्सरसाइज च, आपां उह करांगे अपने, ठीक है। बच्चो, समझ आ गया। ता चलो हुण आपां करांगे एक्सरसाइज 6.1।
देखो अपनी एक्सरसाइज की है। क्वेश्चन नंबर 1, हेठां लिखियां संख्यावां दे वर्ग दी इकाई अंक की होणगे। कि आह नंबर दिते गए ने आपां नूं, इहनां दे इकाई अंक दसणे ने की हन। तां देखो बच्चो इत्थे इहदा इकाई दा अंक हैगा इक, इक दा आपां वर्ग करांगे, वर्ग करके जिहड़ा उत्तर आऊगा वह आपां लिखांगे। एक हो गया, एक दा वर्ग करांगे बच्चों एक आऊगा, ठीक है। उस तो बाद देखो इकाई दा अंक किन्ना है इत्थे, नौ, नौ दी दो नौ बनाई इक्यासी, इक्यासी दा की आ गया बच्चों एक, ठीक है। अगे आ गया देखो तीन, तीन आ गया, तीन दा की करांगे बच्चों, तीन तीए नौ, ता इकाई दा अंक किन्ना होगा बच्चों इत्थे नौ होगा। अगे आ गया चार, चार दी दो चौकम चौकी सोलह, सोलह दा की आऊगा बच्चों फिर इत्थों छे, ठीक है। आ हुण आ गई जीरो, जीरो दी दो बराबर जीरो, जीरो ता आजूगा जीरो, ठीक है बच्चों। समझ आ गया, इकाई दा अंक लेना है, ओदा वर्ग करना है ते फिर ओदा डिजिट दसना आपां ने। तो अगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की है बच्चों अपना, हेठां लिखियां संख्यावां दे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हन, इहनां दे कारण दसो। हुण आपां ने इहनां दा कारण दसना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इस च आपां ने पूर्ण वर्ग देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो ओहदे लई आपां नूं पहलां चाहीदे ने स्केयर नंबरस। मैं पहला भी तुहानूं बोलिया कि यह तुहानूं याद रखने पैणगे ताकि अगे तुहाडे सवालां च यूज़ होण। तां इस च आपां हुण आपां सब दे इकाई दे अंक देख लांगे की ने, इत्थे लिख लैंदे आं देखो साइड ते, एक चार नौ, एक चार नौ छे पंज, फिर अगे छे आ गया रिपीट हो रहा है, नौ हैगा, चार भी रिपीट हो रहा है, एक फिर लास्ट आ गई जीरो, ठीक है बच्चों। तो हुण यह नंबर जिहड़े हैगे जे एक किसे नंबर दे लास्ट च हैगे हैं अखीर च हैगे हैं तां वह नंबर पूर्ण वर्ग होगा। अगर इन्हां चों इस तो इलावा कोई होर नंबर आ जांदा है तो बच्चों वह पूर्ण वर्ग नहीं होवेगा, ठीक है। तो हुण इत्थे देखो जिवें कि सत्त नहीं है, सत्त अपना इत्थे पहला क्वेश्चन भी यही है, देखो सत्त नहीं है इत्थे किसी दे पिछे, मतलब कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ गया, जिवें इत्थे हुण अठ भी नहीं है तो अठ पूर्ण वर्ग नहीं होएगा, ठीक है बच्चों। हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए जीरो, जीरो बच्चों आपां ने इत्थे ये देखना है कि मान लो दो जीरो हैं फिर तो वह पूर्ण वर्ग है, जे तीन जीरो हैं तो उन्हूं आपां पूर्ण वर्ग च नहीं गिण सकते, ठीक है बच्चों। एक जीरो होवे उन्हूं भी पूर्ण वर्ग च आपां नहीं गिण सकते, दो, दो जीरो होण, चार जीरो, छे जीरो होण, वह आपां पूर्ण वर्ग च काउंट करांगे। बट एक जीरो, तीन जीरो, पांच जीरो, सत्त जीरो, टांक च जिहड़ियां जीरो होणगियां वह अपनियां पूर्ण वर्ग च काउंट नहीं होणगियां, ठीक है बच्चों। इत्थे आपां ने सिर्फ इहनां दा कारण दसना है, ठीक है बच्चों। इहदा कारण की लिखांगे कि इस नंबर दा अंत सत्त नाल हो रहा है अते सत्त पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इस संख्या दा अंत सत्त नाल है अते सत्त सत्त संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है बच्चों। अगे आ गया अठ, देखो आप ब्रैकेट वाले नंबरां च हैगा अठ नहीं है तां मतलब ए भी पूर्ण वर्ग नहीं है। की लिखांगे कि इत्थे अठ है जो अठ संख्या दा अंत, इस संख्या दा
अंत 8 नाल हो रहा है अते यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तीसरा अपना जिहड़ा इहदा पाठ हैगा दूसरे का पंजवां, ठीक है इहदा भी लिखांगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इत्थे बच्चों तीन जीरो ने लिखांगे इत्थे कि टांक जीरो संख्या है, इस करके यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला पॉइंट भी तुसी अपने आप लिख सकते हो। चलो लिख दूंगी कि यह संख्या का अंत या इकाई अंक लिख सकते हो 8 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, आ हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन पूरा। हुण आपां अगे कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो की है, हेठा लिखिया संख्यावां विच किस संख्या दा वर्ग टांक संख्या होवेगा। तां इस च देखो बच्चों की करांगे, आपां संख्या दा वर्ग करना है, पर इत्थे आपां संख्या दा वर्ग करके नहीं दिखाना। आपां ने कि 431 नूं 431 नाल गुणा करांगे फिर उहदा आंसर आऊगा, जिहड़ा उह दस्सांगे आपां कि उह वर्ग जिहड़ा आया है उह टांक संख्या है या जिस्त है या टांक नहीं है। तां इत्थे आपां बच्चों की करांगे कि जिहड़ा इह नंबर है इहदा इकाई दा अंक देखांगे। की है इकाई दा अंक? इक। इक दा वर्ग करके देखांगे, एक नूं एक नाल गुणा कीती एक एकम एक। एक की है बच्चों? टांक संख्या या जिस्त? एक हमेशा टांक संख्या होंदी है, तां इत्थे आपां लिख दांगे कि टांक। इहदे उत्तर च फिर लास्ट च एक आऊगा, मतलब इह टांक संख्या है। ठीक है बच्चों, हुण एवें ही अगला नंबर देखो 28 26 26। इत्थे इकाई दा अंक किन्ना है? 6 6। दा वर्ग करांगे बच्चों किन्ना आ गया? 36 36। दा इकाई अंक की हो गया बच्चों? 6। ते 6 साडा की है? जिस्त संख्या है, यानी एदा उत्तर जड़ा आऊगा एदा वर्ग करांगे संख्या दा तां लास्ट च आऊगा अपना इकाई दा अंक 6, तां उह जिस्त संख्या है। उन्होंने पूछा है कि दसो केड़ियां संख्यावां दी टांक संख्या है, तां इत्थे लिख दांगे आपां कि टांक संख्या नहीं है, टांक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। हुण अगला देखो, इत्थे इकाई दा अंक की है? 9 9 9 81। ठीक है, की आ गया बच्चों इकाई दा अंक? 1। यानी की है बच्चों? हो साडी टांक संख्या। ठीक है बच्चों, हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 इहदे पार्ट रह गए, तुसी अपने आप ही करोगे। ठीक है बच्चों, अगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। हेठ लिखे पैटर्न दा निरीक्षण करो अते खाली थावां भरो। तां बच्चों इत्थे दित्ता होया देखो 11 2 बराबर है, 11 दा वर्ग बराबर है 121। फिर 101 दा वर्ग बराबर है 10201। फिर अगे 1001 वर्ग बराबर 100201। तां बच्चों देखो इत्थे की हो रहा है, पहला 21 सीगे इन्हां दे विचकार 2 आ गया, फिर उस तो बाद 21 दे विचकार 0 आ गई। तां पहला 1 लिखांगे फिर 0 फिर 2 फिर उहनूं रिपीट उही उल्टा कर दांगे 0 ते 1। इत्थे देखो की आ गए, पहला 100 यानी 100 फिर 2, उस तो बाद आही 00 वापस जाऊगी फिर 1। ठीक है बच्चों, जिन्नियां 0 इत्थे ने उही 19 0 ला के फिर 2 फिर वापस जाना है। हुण अग्गे देखो 1 तो बाद 4 0 है, तां इत्थे की करांगे आपां 1 2 3 4 0, उस तो बाद 2 फिर 4 0, 1 2 3 4 0 फिर 1। ठीक है बच्चों, अगला देखो हुण इत्थे की है 6 0 ने, फिर की लिखांगे 1 उस तो बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 फिर 2 फिर 6 0 3 4 5 6 ते 1। ये असी उपरला पैटर्न देख के उहदे हिसाब नाल पूरा भरता। ठीक है बच्चों, तां ये सी अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ते 4। ठीक है बच्चों, इस वीडियो च इन्ना ही। जे समझ आया होवे तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं लाइक शेयर जरूर करियो अते सब्सक्राइब भी करो।
थैंक यू। और अगर हाँ कोई डाउट है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मैं कमेंट्स लिखो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू बच्चों।